बार फिर थर्रा उठी हिंदुस्तान की सरजमी। आसमान में गूंज उठी मासूमों की चीखें। आतंकियों ने किया आतंक का तांडव। प्रशासन बांट रही है रहम की भीख, लेकिन जनता अब बेखौफ हो चुकी है। नौजवानों ने देश के कोने कोने में शहीद जवानों और मारे गए मासूमों को श्रद्धांजलि कैंडल मार्च द्वारा किया। हाय पाकिस्तान सुन, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान ना होगा, कश्मीर तो होगा मगर पाकिस्तान ना होगा। आप लोगों के यहाँ बकझक करने के लिए नहीं बुलाया हूं। सरकार को जवाब दे देकर मेरा कलेजा सूख गया। जनता में इतनी आक्रोश है कि अगर आतंकवादियों का खात्मा नहीं किया गया तो जनता प्रशासन की खून पी जाएगी। गृह मंत्री साहब, मैं रक्षा मंत्री हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं मैं हाथ में हथियार उठाकर आतंकवादियों से लड़ाई करूं। कमिश्नर साहब, जवाब दीजिए। ये क्या जवाब देंगे, ये तो आपके हाथ की कठपुतली है। तो आप ही बताइए श्रीमान कि उन पाकिस्तानी कुत्तों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई जाए। मंत्री साहब, सोचने वाली बात ये है, सरहद पर इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए भी ये आतंकवादी अनजान मुल्क में कैसे पहुंच जाते हैं? कोई न कोई रहनुमा है उनका अपने देश में जो उनको पनाह देता है। अगर इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो उन गद्दारों को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, देश का कोना कोना छान मारिए और ढूंढ निकालिए उन देशद्रोहियों को जो इन आतंकवादियों का बाप बन करके बैठे हुए। आपको हमारे तरफ से पूरी आजादी है। थैंक यू सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद कानून के हाथ से किसी भी आतंकवादी की गर्दन नहीं बचेगी। शुक्रिया दोस्त, तूने आज मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो शहीद हो गया होता। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि पुलिस वालों को देखकर इतना बौखला क्यों जाते हो। हालात ने मेरे सर पे कफन बांध दिया है खालिद, और आज तो मौत भी मेरे जिंदगी के लिए दुआ करती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, उसका खात्मा। अरमान, जिन 5 लड़कों ने तुम्हें पुलिस वालों से बचाकर तुम्हें हमारे सुपुर्द किया था, उन्होंने कहा था कि तुम एक जांबाज योद्धा हो और हमारी मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगे। लेकिन मेरा मिशन यही है कि पुलिस के वर्दी में छुपे हुए आतंकवादियों का सफाया। ये मत भूलो कि आतंकवादी का लेबल तुम पर और हम पर लगा है, उन पुलिस वालों पर नहीं। लेकिन मेरे नजर में आतंकवादी वो है जो बेगुनाहों के खून से अपना हाथ धोता है, उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करता है। एक ऐसे दरिंदे ने ही मेरे हाथ में हथियार थमा दिया, नहीं तो मेरी जिंदगी तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ?
धन्य है प्रभु, ठीक है कहल गई बा। चलल तगाड़ी न दहा उफाड़ी, तुहार राम पियारी इस साल में ही चल जाए। देख दिमाग के माँ बहन मत कर बाबू। हाँ एहो हमार राम प्यारी। वाह बीच रोड पर हमार बेइज्जती मत करा। अच्छा जल्दी सलाइन पा जा। तो मान जा। अरे यार गजब हो, ये तो तुहार बड़ी बात माने ली। तो कहे ना रोज विटामिन के गोली जे खियाई लेकर के आवा। संभाल के पड़ल सैया लैका नियन सूत जाता तोरा में दिया के जोरा। यो सर सैया लैका नियन सूत जाता तोरा बोलू। ए कहो दुनौदी के मरीज इतना बढ़न बुलन तो की दिखाई नहीं के दे। उल्टा चोर कोटवा के दाते है कजरावता ऐसा नाक पर ढेर गुमान मत करा। एगो तो हमरा है गाड़ी के चिथड़ा उड़ा देलू। पता ना गोलुआ के मरलू कहाँ झुलुआ खेलता है गोलू। अब वही जिया तानी रे। अरे परान निकल जाता भाई बेकार है। आ रहा हूँ। अरे बाप अरे भाई भाई निकाल रे बाबा। बाबू ठीक ठाक है। अरे बुरा हाल में निकाल। पहले रोक जो बुलेट रानी से फरिया के दो करा बात तोरा के निकाले के उपाय लगाए ठीक बा। तब तक ले पात्र रोके के उपाय कर। सांस ऊपर से खींच नीचे से छोड़। हीरोइन मार देंगे पलांटी ना आदमी बन जाओगी। हाँ। हाँ। बाबा आदम की जमाना की खटारा पे हाथी के बिठा के ढो ताड़ा। ए, बोला तैसन बड़ू लागत था जेनयू के स्टूडेंट हो। एकदम राइट पहचानला। हम दिल्ली की जेनयू में पढ़े ले काले गाँव आयल बानी। हाँ। खुशहाल टोला घर बा बुझला। इतना काफी बा कि और बायोडाटा दी। ना 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 और कुछ ना खाली अपन नाम बता दा। हमार नाम सुने की पावर तोहरा कान में नहीं खे। काले साफ करा क्या है। अरे भाई हां किधर है। Kick it!
बुलेट पर बैठा फान के कमर में ओढ़नी बान के बुलेट पर बैठा फान के कमर में ओढ़नी बान के अरे कलजुग के देवी देवता अरे क्यों तो हमारा रक्षा करे खातिर भेजा हो सलीलियोनी के लेग पीस लाऊ कतर रे बाबा का हो चुल्लू भर पानी में ना डुबौल है ऐसे गढ़हा में छलांग लगा दिल है तोहार भविष्यवाणी असत्य निकलल देवी और बेबी तू हमारा नाम कैसे जाना तरह तू पहलवान दादा के बिटिया बड़ू हाँ मामा के साथ शहर में रहलू अधिनियन आवेलू आ तूफान नियन जावेलू दूर से तब बहुत बार देखले रानी हो आ नजदीक से पहली बार देखता नी बाहरी से बड़ा सुनर लगता रू ज्यादा पालिश मत मारा तोरे जैसा गधा के ना हमरा से पगह ना बनाई ए अपना बाप का नाम मिट्टी में मत मिलाओ तन की हाथ बढ़ा दा टोचन लगा देबू तो धकधका के बहरिया आई अरे पावर हाउस इतना पावर पेल दे ले कि अपने आप ही निकल जाई कौन है अब तो अपन नाम बता दा ढेर परेशान मत होगा हमार नाम रूबी हा ओ हमार मेरा रूपाने के सब गुड़ तोहरा में कूट कूट के भरल बा अगर तू इजाजत दे दे तू ना तो यही जी तोरा से निकाह कबूल कर लेती ढेर मजनू के नाना मत बना ना तो परवाना में नाम लिखा दे भाई लोग ऊपर से तो रेंजर भी है लेकिन भीतर से बड़ा डेंजर भी है अरे अभी तक ले भदाला बैंक खाली तक रहा मैं बड़ा बड़ा उठ चलो अरे बाप रे पूरा कोटा के नस्ते ही खतरी करे चलो चल अरे जल्दी जल्दी करा जी मालिक रेहान अरे रेहान जी अब्बू जल्दी आवा यहाँ जल्दी जल्दी कराए अस्सलाम वालेकुम चिल्ला चिल्ला के हमार नटई फाटल पास हो गई का ढात रहला अबू जॉब की सेटिंग खातिर एगो दो से चैटिंग करत रहनी तो सारा काम निकम्मा काम चोर के बा ही मोबाइल पे नौकरी मिली तो सब आदत काम चोर के बा देख जौन काम तोहरा करे के चाही उ हमार बेटी कर रहल बा हमार बेटी शेरली हा शेरली अते पढ़ल लिखल पररू बारे का भेल अब्बा आज फिर अब्बा के पारा आसमान पे चढ़ गया सुन ले लो ये काम चोर के अल्फाज अब्बा भैया तो नौकरी की तलाश करते बाड़न अब नहीं खे मिला तो ई का करे तो ठीक बा इनका के चूल्हा चौका करे के सिखा दा ये बनाइए हमरी के खियाइए ओफो अब्बा भैया तो नौकरी की तलाश करते बाड़े आज ना तो कल जरूर मिल जाए पता ना कब मिली नौकरी ए जल्दी करे मोबाइल पे नौकरी खोजा तारन भैया अब्बा की बात की बुरा मत मनिया उनके तौरे भविष्य की बहुत फिकर रहेला हमके पता बरूबी अब्बा हमसे बहुत प्यार करेले और हमार बहन भी हमसे बहुत प्यार करेले चला लागता सब पार्टी सूत गया है हमार लाल की कहे मारा तरु अच्छा पूछा इनसे इतना रात ले कहाँ रहलन है उका आना नमाज पढ़ा चल करनी है जैसे निकलनी है ना तसाही गोलुआ पकड़ के अपना घरे लेके चल गई ला लिट्टी चोखा के पार्टी रहला ना यही से लेट हो गई ला नमाज लिट्टी चोखा गोलू ना छोड़त रहलन है सातवीं भरा रहला क्या हो क्या तेजा को बैली है कहाँ से घर से घर से हम तो ये बानी तोरे इस खाना बचल रहे गुंजन कलस खा ले तू है खाते एकर मतलब हमरा उपास सुत के पड़ी है हम सना मिले जो मैं खा रहा देखा हम कहत रह लिया ना माई अगर आज हम उपास सुत गनी ना त का लेकर के ना एकर दुल्हा पसंद कर पाई और ना ही एकर सास ससुर
एक्सक्यूज मी। यस। हाँ, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। हाँ। बचपन से ही आप ऐसे हैं कि बाद में कुछ क्रीम व्रीम लगाए। अरे ये मुंबई का पानी है। आई, बड़ा कमाल पानी है। आ गई। लड़की ठीक। ये आइटम तो एकदम झक्कास बा। भाई साहब, लागत हमार घर वा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गेल बा। हाँ। लागत बेचैनी के गोली खेले बनी। हाँ हाँ, जाके देखावा। आ अरमान बाबू। हाँ। तनी द्योतो वाला घरवा दिखा दिया। हाँ। कान में लगा ले। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे। आप लोग मिठाई उठाई खाई। और हमारे घर कैसा लागल? ये घर है, इससे अच्छा तो मेरे भैंस का तबेला है। एकर मतलब रुआ अव्वल दर्जा के अमीर बनी ना। यू आर सच बोलिंग। वही आइटम करना झकास बा। एकदम बकवास बा। हमें माफ कर दी। आज से सब लड़की हमार माई जैसे। ना बेटा ना, माई ना, ऐसे तोर करेक्टर तो सुधर जाई, लेकिन तोरा बाप के करेक्टर बिगड़ जाई। ऐसे आज के बाद से जवान लड़की में लिहा सा तोर माई। आज से तोहार माई हमार माई, तोहार बहन हमार बहन, तोहार बीबी हमार बीबी। हमें माफ कर दी। देख एगो काम कर, अगर हमारा खातिरदारी के खाता से तोर पेट भर गेलो के, तो बाहर जाके हमार खाता खोलिए मत। ना। और ना ही तब की पाइप खोल के मारब। ओके ओके। जो हुकुम जो हुकुम। अरे हैंडसम ब्रदर, कैसन लागल घर द्वार हमार? व्यवस्था एकदम टाइट बा। अच्छा, और कौनो सेवा राउर? अच्छा भाई साहब, राउर का विचार बा? राउर बेटी हमनी के पसंद बाड़ी। वाह, क्या बात है। लो बाबू मिठाई खा। हेलो, देखो मत मिठाई खाओ। साहेब, सर हम सर अंडर हो गई बानी। अब रहुए के धन सुठाक पड़ी सर। रहम करी साहब, रहम करी। हम सब मजदूर लोग, अगर हम लोग मजदूरी ना करें तो रात में हमारा घर का चूल्हा ना जरी साहब, ना जरी। कौन आतंकवादी संगठन खातिर काम करे? वाह साहब वाह, एक मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी भूख से छटपटाला, लोगों के दारूबाज कहला, रहुआ एगो मजदूर के आतंकवादी कह रहल बानी। तू सच में आतंकवादी बड़े रहे? तू आईएसआई के एजेंट पड़े ना? ना साहब, हम तो जीवन बीमा के एजेंट बानी। चल सबूत दिखा। घरे बा। सब ससुरा आतंकवादी बा। इंस्पेक्टर साहब, ई गरीबन पर काहे अत्याचार हो रहल बा? तू कह रहे? हम सामाजिक संस्था के सेवक, सतनाम है। क्या करी हम? तरह से पूछ के इंक्वायरी करी कि कौन इमें आतंकवादी है और कौन ना है? हमारा तो ही कौन आतंकवादी लोग के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? हम कौन आतंकवादी नहीं है। जा, दोबारा हमारा काम में तंग मत रहिए। चल। लोटा। हाजिर सर। इलाका के मटका तो बड़ा
जबरदस्त लगा था हो। अरे सर मन करी तो मटका तोड़ के प्याज बुझा लीजिए। क्या भाई मटका में? मटका के अंदर का बा, मटका के बाहर का बा, हमके बता दा गोरी। मटका के अंदर का बा बता दा। एमे ना बम बा। अरे सर भाग चले ना तो नहीं भड़क जाए। कौनो बम में इतना धम्मे नहीं के जे हमरा भड़का सके। साहिबी का कहीं? बाप रे ई बम पानी हो गई बा। अबे चल ही जीवन है बे। इलाका में एगो आतंकवादी घुसल बा। तरा के ऊपर शक बा? हमरा तो रहुए पे शक बा। हे चुपचाप जितना पूछल जाला ओकर सीधा सीधा जवाब दे। हैं पापे काबिल भौजी इंस्पेक्टर साहब के पिछवाड़ा में काहे आग लागल बा? ई आतंकवादी के तलाश में हमार मटकी फोड़ देहला ना। अपने के ई किसन कन्हैया समझतानी? ई द्वापर ना कलयुग है सर। ए इलाका के गोपियन के मटकी फोड़े वाला की कपार फूट जाला और हड्डी भी टूट जाला। नया बानी यही से समझा देता नी। बड़ा समझदार लगा तारू। का करेलू? पढ़ाई। कहाँ? जेएनयू में। दिल्ली? तबे ये जवान तलवार से भी तेज चला था। ये बंदूक क्या रख ले बाड़ू? ये जवार में कुछ जंगली जानवर आगल बाड़न। ओनी के खदेड़े खातिर ये बंदूक उठावे के पड़न। भौजी तू लोग जा। ठीक है। सर इसी राई मारे वाला बंदूक है। चल। हाँ आई आई सर। खूबे आवे ला माजा सुतले में, खूबे आवे ला माजा सुतले में, बड़ा मिले ला सकून हमके मुतले में, बड़ा मिले ला सकून हमके मुतले में, बड़ा मिले ला सकून भाई मुतले में। हैंड्स अप। कौन है लड़की बहनी के? पंपू सेट बनना होगी कि चाहिए ना तो इंजन भड़का दे। मैडम पंपू सेट में जितना डीजल हो उतना नहीं पानी फेंकी। शट अप चालू रखा ना तो गोली मार दे। मैंने चिराई के जान जावा लड़का खिलाओ ना। कौना देश के तोहर बंदूक हवे? मेड इन चाइना। ए मैडम चाइना के माल ढेर टिकाऊ ना होला। इला मेड इन इंडिया देखला। तू जतना हमरा के बेशरम समझा तरू ना उतना हम ना है। ओकरा से कई गुना ज्यादा बानी लेकिन तोहरा प्यार में माय फुट। तो अंग्रेजी में लतिया के चल गुल रहे हमरा के कौन बात ना आबे मैडम के तो अंग्रेजी स्टाइल में पटाऊंगा। या
साथी बानी ए मजनू की सर से मोहब्बत की भूत उतारे की पड़ी उतर सकेला ऊ कैसे ऊ जन मोटुआ है ना गोलुआ ओके ओझा बनावे के पड़ी तब तो ओकरे कमजोरी का पता चली बेबी ओ ओझा के अपन सर के बोझा बनाला ऊ तो तोहर प्यार में पूरा बनले रहला हां हां तोहरा खातिर ओ पूरा के प्यार के गतान में हम अपने बांध ले तब देखा मजा आ जाए ओंकार पूरगौरं करुणावतारं गंगारदारं गजेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्देवम् का बात बा आजकल बड़ी पूजा पाठ पर ध्यान दिले बड़ा 21 गो सोमवार का व्रत उठौले बनी आ हर सोमवार के 3 गो नारियल चढ़ाईला जब मन्नत पूरा हो जाए तो कुल इकट्ठे पार पार फोड़ब अच्छा वो काहे खातिर तोहरा के अपन मेहरारू बनावे खातिर तो ओकरा खातिर तोरा चर्बी गलाव के कोनो जरूरत नहीं खे भगवान तोहार पुकार सुन ले ले बाड़े हाय आई लव यू हाय अरे प्रभु बड़ा तेज नेटवर्क बा तोहार एक गो सोमवार में सुन ले लो आई ए का तो धोखा तो नहीं दे सपना तो नहीं खुनो देखत आई ए ओए अरे अरे भाई अरे लागे तो खुशी के मारे बार जान चल जाई हो जान अपन पकड़ के मुट्ठी में रख अच्छा काहे की तोहरा बहुत बहादुरी की काम करे के बना डरपोक जन बाड़ा डरपोक और हम डरपोक तो बाड़ा काहे की अरमनवा के पोछ पकड़ के जवान लटकल रहे लहा अरे कन्फ्यूजिया गेल बाड़े का तोरा गलत सूचना मिलल बा डरपोक हम ना अरमान हो हमरा बिना ओकर हगल मुतल काल हो जाला चुप रहता हमरा तो डाउट लगा था अपना डाउट के आउट कर और जाके रात में बगीचा में चेक कर ली आज ओकरे साथे हम सुते ना जाए जाके चेक कर ले कैसे ओकर लंगोट ढीला हो जाला अच्छा बेवकूफ बनावत रहा हमरा के वो तो पहलवान है पहलवान ओकरे कुछ चीज से डर लागे ला पहलवान 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 अरे जब से रागनी एमएमएस पार्ट 2 देखले बानू तब से ओकरा चुराइन से बड़ा डर लागे ला आई कहां से उतरी रे उकान कि चुराइन से हमरे बड़ा डर लागेला अरे चुराइन से तारा डर लागता हमरे रहते तू का चिंता करतर हूं माने नु बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे झालतू झालतू
चोरे अरे चोरे चाप चालत रे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलू नाना दिया जाए। रात में अकेली लेगी कि बाकी मौका के फायदा उठाओ चाहता ना अगर मौका के फायदा उठावे के रहित न तो अब तक ले चादर में गद्दर मचा देले रहती आइंदा ऐसा बेहुदा हरकत केहू और के साथ मत करिया न तो मुंह दिखावे के काबिल ना रह जाइबू कहे से कि हर आदमी हमारा खानी निहायत शरीफ नहीं के Yeah.
अच्छा गुंजन, आज का मंगलू है भगवान जी से? तू का मंगलू हा? अरे मंगनी तोहार होके वाला बा, हमार ना। तब मन के बात केहो से बतावल ना जाला, बुझलू? चला। दिखत नहीं खे का? आनर हवे? ये कमल के ऊपर था कीचड़ पड़ गया। भगवान माफ कर दे हमके, गलती हो गई। भगवान से माफी मंगला से कीचड़ तो साफ ना होई ना? एकदम ठीक। तो हमरो मालूम बाकी भगवान जी आके साफ ना करिए, ऐसे हमरे साफ करे के पड़ी। की का बदतमीजी हा? अरे तू तो बिना कुछ कहले ही छटपटाए लगलू। हां कुछ कर देब तो का होई? अच्छा बतावा हमरे ये बदतमीजी के तू सजा कैसे देबो? खोरा में उठा के ये बिस्तर पे सुता के? छी सर, राउर छक्का तो बाउंड्री पे कैच हो गई बा। अरे बेटा मैच तो अभी शुरू भइल बा और खत्म हम ही कर। जियो सर, हे माई 20 रोटी मारले धाका धाक। आज इनके बॉडी और पहलवानी को सही इस्तेमाल होता। मारा बाबू मारा। एकरा बात तोरे ना मारा बाबू। अरे का भइल बेटी? तोरा आँख के आंसू बताओ था कि तोरा से कौनो ना कौनो आदमी बदतमीजी जरूर के लेबा। बताओ कौन हो? बताओ कौन हो? एको इंस्पेक्टर अपने साथे बदतमीजी कैले सा। कहाँ जाता रे बेटा? माई अब लकड़ी ना वो इंस्पेक्टर के सीना फाड़। जाए दा बेटा, ना पुलिस वाला का दोस्ती ठीक बा ना दुश्मनी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमनी के सब इज्जत चल जाए। अभी गुस्सा ठंडा ना होके चाहिए। वो इंस्पेक्टर के छट्टी के दूध याद दिलावे खातिर हमारे पास एक आइडिया बा। सर हमार फाटा था, हमारा डर लागा था, लागा था भूत ग्रस्त एरिया में ढुकाई पानी। धुआई धुआई। अरे ढुकाई ना पानी, सचों में भूत ग्रस्त एरिया में पानी। सर धुआई धुआई। फुटनी के जय बजरंग बली बाबा, बजरंग बाड़ा पड़ब, बजरंग बाण मार दे। सीतांकर सीतांकर वाह वाह। अरे साहब गजब के डायनेमिक और टेजिक लगा होता। और तो एक कुकुरा के पट्टवा चार चाद लगा ले बा। सर लागा तो भूत डुप्लीकेट क्वालिटी के रहल, ना तो राउर गर्दन टेढ़ ना टूट गइल रहत। दूरदर्शन बंद कर। सर ब्रेकिंग न्यूज पे तो भरोसा कर ही के पड़ी। यहाँ के भूत आतंकवादी से भी डेंजर बाड़े। सर सर संभल के रही, लगातार राउर के ऊपर भूतहा नक्षत्र चढ़ गई बा।
कहा से राइट चॉइस सलाह देला के खुशी में इनाम देवा का सर राइट चॉइस बेबी अरे बेटा अरमान हमरे गांव के शान आ गइल बा शेर बहुत बढ़िया भैया अरे चाचा छा गइला या प्रणाम गुरु जी जी अतरा बेटा बहुत बढ़िया शाबाश आ जा बात अच्छी है सर खींच कराजन लगा 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 अभी बचकर मार हमार जिया सर पका शाबाश 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 जिया सर वह चेला हमरा इज्जत के ढेला में मिला देले आ का करी है चेला ये लड़की का हजा मेला
आजा हमारी गाड़ी में बैठ जा। सर आइगल घर कई इंक्वायरी चली। यह राजमहल के राजकुमारी बाड़ू तू। लागत है कि तुहार गर्दन टेढ़ होई से तुहार आँख के कचरा साफ हो गई। की हाँ बेटी का बात बस साहेब। कुछ हो ना ये इलाका में आतंकवादियों के जासूस रहला। ये हम ना सरकार कहले जब सरकारी वर्दी पहन ले बानी तो शक दूर करी के पड़ी के रहला ही घर में। हम हमार बेटी गुंजन और हमार बेटा अरमान। ए सर ये पूरी का पूरी फैमिली है डुप्लीकेट बा। लाइक हिंदू और लाइक मुसलमान। तनी अपनो बिरादरी भी बताइए दा। मतारी के बिरादरी सिर्फ ममता होला साहेब। अरमान हमार सगा बेटा ना हवे। अरमान के अब्बा जान और हमार पति दोनों जिगरी दोस्त रहलन। अरमान बचपन से अनाथ हो गए रहे तब से हम अरमान के गोद ले लेनी। रिश्ता खून के नहीं के फोटो के कर है तेरा पति के अरमान के पिता के। ये हमार पति के हा जिंदा बाड़े की स्वर्ग सिधार गई ले। ये कैसन वाहियात सवाल करत अड़न। का करी पुलिस वाला है बिना सवाल के ले के वो जवाबे न देला। पता चलला कि तारा पति रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहले और आतंकवादियों खातिर बम गोला बारूद सब बनावत रहले। ये सरासर झूठ बा साहेब। हमरा पति सच्चा देशभक्त रहलन। ते ठीक बा लेकिन तारा बेटा के ऊपर तो हमरा शक बा। इससे पूछताछ करे हम दोबारा आ जाए। तोरे खातिर आ लेनी है। चल रे। हाँ साहब चली चली। ओके इन्वेस्टिगेशन चल। आई चली। आई। लागत बा अपने पे। इसाना एकदम चले पे लागत। हाँ। माई, ये पुलिस वाला क्या करे आ रहला? कुछ ना बेटा, वो ऐसे पूछताछ करत रहलन। आप पूछताछ? अरमान, वो लोग आतंकवादी ढूंढे के बहाने घर के बहु बेटी के खूब परेशान करेला, कानून के गुंडा। फिर तोरा के कुछ कहला सका? वो बहुत ही घटिया आदमी बा, कहत रहे कि आवत जात रहब। ये खजुआ कुत्ता एकर खजुहर दूर करे खातिर मुक्का छाप दवाई देवे परी वह हम चौगा टोच देवे परी सराउ के। साहेब इकाय आगे पीछे हुचुर पुचुर करतानी। अरे का सोचा तानी? अरे उ लड़की बड़ी टेढ़ी खीर बा, बिपासा से कम नहीं के वो आपके चंगुल में ना फंसी। सर एगो खुफिया एजेंट से पता चलल है हथियार से भल गाड़ी लेके आतंकवादी मंदिर के रास्ते जाए वाला बाड़न सन। सर साइड से भल सुतार बा, चली फटाफट धावा बोल दिया जा। सर एगो आतंकवादी अगर पकड़ा गई तो आपके गले में कुत्ता के पट्टा के जगह बहादुरी के मेडल लटकी। रघुआ बन जावे एसपी और हमनिक बन जावे इंस्पेक्टर। ताई इंस्पेक्टर ताई सब इंस्पेक्टर बनने लायक नहीं छे। तो तू का बनबा जेला। चुप 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 ससुरा सपना देखल छोड़ पहले चल लम्बा साथे गाड़ी निकाल चल 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 आई 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 बैठ 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 साहेब आ जाता को दिन के पकड़ के। सर ई वह जगह बा जहां कुल आतंकवादी आवे सूचना मिलल बा। पहले लाइट बंद कर लाइट बंद कर। हां साहब बंद कर दे। ससुरन के सबके सब आतंकवादियों के खत्म करब हम। गोटा हाँ पक्का खबर रहा लूं। हाँ
सा वो देखी है? चल गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, बंद कर, बंद कर। गाड़ी गाड़ी में भगवान जी बाड़े साहब। चुप कर अहमद, भगवान बाड़े तोरे खड़बड़ाइया गाड़िया में। अरे हमरे साहब पुरपक सब जता रे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, विश्वास ना होखे तो जाके देख ली। गो, गो। चल लोटा चल, कहां बात की करे खड़बड़ाइया गाड़ी भगवान बाड़े। भगवान कहां से है? श्री राम जी, श्री राम जी, सीता मैया, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हम पत्ता मोसंदी लाई जा, 1.5 किलो लड्डू चढ़ाऊ, आधा हम खा, आधा ही हम 2 किलो चढ़ाए, खाली हमार मनोकामना पूर कर दा बजरंग बली। जीवन धन साहब को बोला, हे साहब सच्चो में हमें तीन तीन को भगवान पाड़ेन, अरे राम सीता हनुमान पाड़ेन। हां साहब, चक्कर चक्कर चक्कर, जय बजरंग बली बाबा, हे हनुमान स्वामी, हे श्री राम चंद्र जी की जय, जय जय। अरे सर लगा तो माटी की मूर्ति में प्राण आई गई। जय बजरंग बली, जय भाई हो, सीता मैया की जय। कहीं वो दिन जैसे कोनो गलत जगह ही अपने तामनी ना गई नहीं। हाँ लगा तो ऐसे ही बात साहब। बधाई हो, मुबारक हो साहब, प्रभु का साक्षात चमत्कार और आशीर्वाद दोनों मिल गया। आपका राइट से लेफ्ट हो गया गर्दन, आपका गर्दन टाइट हो गया। पकड़ पकड़ पकड़। अरे ना साहब, भगवान क्या पकड़ पे क्या कल चुप में। हाँ साहब, भगवान भगवान नहीं के सर, आपके कथनानुसार इलाका के सगरी रामलीला कलाकारन के दबोच लियाल बानी। सर चल के एक एक जने से आशीर्वाद ले। चली जय श्री राम। नमस्ते सर, हम लंकापति रावण आदेश करी रहुआ के कला के उठावे के बा। श्री राम। दुष्ट रावण, एक बार छल से तू सीता मैया के हर ले ले तो अपने आप के जैसी भी समझत बड़े। एक बार पहुँच उठल ना तो लंका ना जारी, तो हर सब कुछ जरा दे। मूर्ख बानर, अभी रावण के पावर के पता नहीं थे। जय श्री राम, जय श्री राम। चुप चुप चुप। ये लिखा अपना पावर पैक और मार मुका हमरा, मार मार। सर हम रहुआ के कैसे मार सकिने, हमार तो दुश्मन राम और सीता बाड़े और ये हनुमान बाबा। मूर्ख रावण, अब की तौरे नाभी में ना सीधा मुंह में तीर मारब। रावण मैं तो मुक्का मारबे के हम तोरा गोली मारी, मार मुक्का। हनुमान मार, तू मार मुक्का, मार मुक्का, मार। चल रे राम, समझ ले कि हम ही रावण हैं। चल मुक्का मार, मुक्का मार, मुक्का मार। अरे साहब टीका फूल के भगाई देला। इनमें से क्यों नहीं कि हमरा के मुक्का मार लेबा, उससे सुरा जरूर है क्यों और होई से। आजकल की लड़की ना तेल ना लगावेली बाल में, बाल के सत्यानाश कर देवेली फैशन के चक्कर में। अरे बाप रे बाप, फिर सवाल के जवाब देवे के परी। आ, 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 आ।
बाल में और तेल चपोड़ी। माई देखा तुहार नवाब साहब आ गए लन। ओ हेलो हेलो हेने आवा। आज कौन पहाड़ तोड़ के आवा तारा? बगीचा वाला खेत कोड़े गरानी हम ओथा ढेर हो गए बा। अच्छा बिना कुदारी के? ओ कुदारी गोलुआ कर लौले के चल गई है पचरी फड़ गई है तो ठकवावे गई बा। रही दा हमके ना तोहार सब खेला मालूम बा। माई आजकल ना तोहार बिटवा एगो बुलेट वाली के संगे खूब रास लीला रचावत आ रहन। अच्छा वो मोटरसाइकिल वाली लड़की कहीं वो पड़ोस वाले गांव के सौकत अली भाई के बेटी तो ना है गुंजन? सही सवाल माई, एकदम सही सवाल। अब माई के मिली पतो इनाम। और बहन जी का हाल चल बा? भगवान की कृपा बा भाई साहब। अच्छा अच्छा बहन जी। आदा आदा वर्जे। रखा बेटी जी। खुश रहा। शुक्रिया। जीत रहा। अच्छा भाई साहब ये रिश्ता पक्का समझी? बाकी बहन जी हम समझा था नहीं भाई साहब। बिरादरी के उलझन में राउर फैसला अजुराइल बा। चिंता मत करी जौना घर में हम हाथ जोड़ के भगवान की पूजा करेनी वह घर में अरमान हाथ फैला के खुदा की इबादत करेला। हम अरमान के ऐसन शिक्षा देले बानी भाई साहब। अरमान एकदम सच्चा मुसलमान बा। अरे बहन जी रउआ हमरा के शर्मिंदा करत बानी। रउआ परिवार घर के बारे में के ना जानेला। हमार बेटी रउआ घर के बहू बने ई तो हमरे खातिर फख्र के बात बा। ब्याह होई आ खूब धूमधाम से होई। रउआ जाई अब ब्याह के तैयारी करी। मुश्किल के हाल हौ अगर आके ताजमहल हौ। हर एक मुश्किल के हाल हौ अगर आके ताजमहल हौ। तू अनार कली रहब हम सलीम के तले। अपना दिल के मोबाइल में घुसाला राजा जी हम किसीम के तले। अपना दिल के मोबाइल में घुसाला राजा जी हम किसीम के तले। Money
दिल के मोबाइल में घुसाला राजा जी हम सिम के तरे अपना दिल के मोबाइल में घुसाला राजा जी हमके सिम के तरे ई प्यार भी बड़ा जी भुलर मन कब कैसे हो जाला पता ही ना चलेला तू सच कहता रहू हमारा दिल में तो घर बना ले बड़ू लेकिन हमारा घरे कब आएबू ओकरा खातिर तोके इंतजार करे के पड़ी एक बतौर अरमान आज के बाद हम लोग ना मिल पाई जब तक हम तोहार शरीके हयात ना बन जाए मतलब वसल के रात या खुदा शादी से पहले इतना बड़ा हम सजा देखा अब हमारा से इंतजार इंतजार ना होई अब इंतजार तो तोके करी के पड़ी ये अब्बा के हुकुम बा निकाह से पहले नहीं की मिलेगी खुदा हाफिज तो बड़ा हाई वोल्टेज वाला झटका देके गोइल रे ओ मरर गंगे गंगे तारा का पसंद बा बेबी के बेस पसंद बा तारा प्यार के सॉफ्टवेयर हमरा दिल के सिस्टम में लोड हो चुकल बा अच्छा बस अपडेट करेला जरूरत बा अरे तब बटन दबा देता नी आई लव यू ई कौना हीरो के स्टाइल है हम किसी का नकल नहीं करते बेबी हम अपना अकल का इस्तेमाल करते हैं केला खाओ खुद जान जाओ तू खा ले पहले तू खिया दो अच्छा ठीक है हमरे शर्म आवता आग बंद कर ले आग बंद कर ली ठीक बा क्यों 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 चल बोल आई लव यू ससुर जी हम का नवाबी शौक नहीं थे का दो साल हो गए तुहरे पढ़ाई पूरा कैला बाकी आज तक तुहरा के कोनो नौकरी उकरी ना मिलल अब्बा कोशिश तो करते बानी अब्बा दो चार जगह इंटरव्यू भी देके आयल बानी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो जाए अरे का होई खाक तोहरे साथ के लड़का नौकरी करे लगलन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अपने के हम अरमान के मौसी हैं हमारे आगरा में बहुत बड़ा घाघरा के दुकान बा तो सोचने है कि आयल बानी तो यही बहाने घाघरा के नाप बहु खाते ले भी ले और मुंह भी देख ले हा हा हा। इतनी रात के बहू के देखा है नहीं? रात में ही तो चांद के दीदार होला यही सही जी आ गए नहीं है और सोचने की आयल बानी ते ही बहाने बहू के देख भी ली और कुछ बहू दिखाई भी दे दी हाँ हाँ कहे ना भेंट वाला काज तो होबे करी रउआ तनी आराम तो कर ली ना ना आराम आराम होला अरे सबर करी मोहतरमा बहू से मिले खातिर इतना जल्दी कहे बा रुआ भाई साहब को छोड़ के आ गए ले यहाँ ओ मोजो सके ना मत ली अगर दोबारा मिल गई ना तो ओकर गला दबा के मुआ दे मां रे हां जी अब्बू तू जा बेटा अरे बहन जी रुए इतना सीरियस हो गई नी राउंड बात सुन के तो राउंड मामला हमरा गमगीन लागत बा खैर कोनो बात दिखे रुआ हमरा से बात करके आपन मामला रंगीन कर ली का बताई शादी के तीसरे दिन बाद हम लोग कैसन कैलस किनो रोज झगड़ा करे रोज झगड़ा करे रोज मारे और तीसरे दिन बाद कलकत्ता चल गयलू कलकत्ता कलकत्ता के सोनागाछी के कुली सौतिनिया उनके सुगा बना के अपना हुसन के पिंजरा में कैद कर लेली शिकारी के पिंजरा से ता सुगा उड़ भी जाला बाकी हुसन के पिंजरा से उड़ल बड़ा मुश्किल होला मोहतरमा रावण कहानी सुन के हमरा आग से पानी आ गए बुझाता नहीं तो हर कहां से पानी आवता देखी बहू से भेंट करा दी अब हमार वोल्टेज हाई होता अरे रउआ चाहब तो लो हो जाए अरे कोने बात के हम बेटी को बुला रहे अरे ना 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 बहू के काहे खति कष्ट दे हम खुदे चल जाता नहीं ठीक बा जाए शुक्रिया आदम अरे सबके जमा देख के दिल बल्ले बल्ले हो गई हमार बहुत ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत भी है मन तक रहता एक चुम्मी ले ली हम सा ज्यादा अरमान के मौसी आई गले तो लगा ला तू हाँ
जीएल दुश्वार हो गेल बा हमर दीदार के बिना। चाहता मुंह दिखाई मैं हमर जान लेला। रूबी हाँ, अरे अब बजे है, तू गजब हो जाएगी, तू जल्दी से जा। अरे का भाई जी, हमार बेटी पसंद आईल? सुभान अल्लाह, राउर बेटी तो इतना हड़ा पसंद आईल भैया कि मुंह दिखाई के नेक भी दे देनी। अमान तैसन करता कि गरम तेल पूरा बॉडी में मलवा के जी सुत रही। ये मैं सोच के का बात बा, इहो रहुए घर बा। वैसे भी बहु बेटी के रात के घर से ना निकले के चाहिए, ठीक बालू? अरे बेटी सेवा सत्कार कर दी और वह संग सुत जाए। इंशाल्लाह, और दिल दरियाओ और विचार समुद्र की तरह बा। अब मन तो ऐसा करता कि बहू के हाथ के सुबह चाय पी के जाए। इहो तो हाँ बहु चाहत बाली हम भी के ना बुना मौसी जी की जाए बहुत जरूरी बा। अरमान इनकर वेट करत हुई है और कालिन के आगरा की टिकट बा। हाँ, तब तो जाइल जरूरी है बा। हाँ, एकदम सही बात। बाय बाय मौसी जी, टाटा, अल्लाह हाफिज। हाँ, चलो अल्लाह हाफिज का दलू तो जाए के परी। चली अच्छा। हम रुआ के छोड़ दे पानी। साहेब लगा था फिर भूत ग्रस्त एरिया में। हाँ, मुंह के लगा था। अरे रुक रुक रुक। से बढ़िया चीज बाबा, इच्छे चीज देख के तो कतना के पेचीस हो गए लो यो। मालवा बहुते पसंद है डबले अकबूना इच्छे चीज पर। इंस्पेक्टर हुआ कि खलासी हुआ? अरे खंडर देख करके इमारत के तो अंदाजा हो ही जाला ना। अरे चली सब छोड़, बताओ कि इतना रात में केकरा संगे कबड्डी खेल के आ रहल बाड़ो? इंस्पेक्टर फिर बदतमीजी मत करो। इम्पॉसिबल बा मैम साहब, हमारा साहब तो तलाक दे देले बाड़न तमीज के और बदतमीजी के बनियाई पहले बाड़न। फिर बदतमीज लोग के तमीज सिखा देले बनी हो? तो सिखाओ ना, सिखाओ ना, सिखाओ ना। हे मास्टर जी, हम लोग की सिखा देना, क्यों नहीं के सिखेले हमरा के? डोंट टच मी। अरे टच ना होई तो कचा कच कैसे होई? सर आपन रोमांस स्टार्ट करी। ए गोटा पहले कर पहले गाना। बेबी जरा टच मी टच मी टच मी, बेबी जरा टच मी टच मी टच मी, बेबी जरा किस मी किस मी किस मी, बेबी जरा किस मी किस मी। अरे मुबारक हो सर, मुबारक हो। आपकी कार तो देख तो सीधी हो गई और ये कुकुरों वाला पटवा भी निकल गई। ये मुक्का तो कोनो मेहरारू के ना हो सकेला। हे पहले भूत फिर भगवान रवि मेहरारू। हे के बड़ी रहते दिखा 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 दिखा। अरे सर ये तो गबरू जवान बा। रवि जवान कानून के चक्की में दर्रा के पिसान हो जाए। इस ससुर आतंकवादी के कोनो खुफिया एजेंट लगता। चल डाल एक रखे गाड़ी में, बिठा 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 बिठा। चल खसी चल चल नाचे कट बलो बंद से पंगा ले ले लस। चल बिठा एक रखे ले चल। साहब भाई आई आई भाई ए,
अगर जेल चाहता रे तो बता दे कि तू कौना आतंकवादी संगठन के सदस्य बाड़े। बोल बोल। हिंदुस्तान के आन बान शान खातिर तोरा जैसन वर्दी में छुपल आतंकवादी और आतंकवादी बनावे वाला के मुंह में मुंह तल चाहता नहीं। हमार भाई कहाँ बा? कौन है तोहर भाई? अरमान। मेरे भैया से कहना महना या ये आतंकवादी तोहर भाई है, है? ये रात के अंधेरिया में बुरका पहिर के पाकिस्तान के इशारा पे नाचता। हमार भाई मुसलमान जरूर बा, लेकिन उकरा दिल में सिर्फ हिंदुस्तान बसेला। उकर मजहब सिर्फ इंसानियत बा। रवा कोनो गलत फहमी में बानी। प्लीज हम के उकरा से मिले दी। प्लीज। हाँ, जा मिला। तू जा यहाँ से। का करिल भा? आ? गुंजन, हम हमेशा दुआ में तोहर खुशी मंगले बानी, और आज ही तोहर आंख में आंसू देख के हम कैसा लगता कि दुनिया के सबसे बदनसीब भाई बानी हम। गुंजन, तू जा यहाँ से, हमके हमारे हाल पर छोड़ दो। तोरा पैर में कांटा चुभ जात रहे तो हमके बर्दाश्त ना होके, लेकिन आज तोरा के इतना जख्म देख के भी हमके बर्दाश्त करके पड़ता। पर हिम्मत पथारा भैया, हम रक्षाबंधन के इतिहास बदल दे। बहन की रक्षा कैला खाली भाई के कर्तव्य ना होला, बहन भी भाई की रक्षा कर सकेली। हम तोके कुछ ना होके दे। तू जा। हम जाता नहीं। अरमान आंसू में बह गए। हमार भाई निर्दोष बा। मालूम बा हमरा। तू कहा ना कि दवा खाना में निरोध, पुलिस थाना में निर्दोष हमेशा स्टॉप में पड़ल रहेला। अगर उकरा छुड़ावे के बात है कीमत चुकावे के पड़ी। कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? तो का है ना मैडम, अगर मामूली चोर चुहार रहे तो एगो खाली चिम्मा से काम चला लेती, लेकिन उस ससुरा पड़ता आतंकवादी के लेवल लागल बा। इससे चुम्मा से ना तार जवानी की तिजोरी चाहिए, तब तो हर भाई छुटी। अन्यथा कानून के रस्सी में झूलत रह जाए। किल हैंग दिल डेथ। ऐसे मैडम आज रात के बेरा हमरा डेरा पर आज है, तहार भाई छूट ले। सरासर ना इंसाफी बा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम के फैसला आज रात के बेरा हमरा
डेरा पर होई कट इज ओवर भगवान ये कैसा निंजाब बताइए कैसा निंजाब हमरा मासूम लड़का के साथ ये कैसा खेल खेला था बताइए ना भगवान बेटी हमरा अरमान के बचाला हमरा अरमान के बचाला नहीं तो लोग समझी के गो मतारी बेटा के मुसलमान समझ के मारे खातिर मजबूर कर देले तू चिंता मत कर माई हम अरमान भैया के कुछ ना होके दे बड़ी होता
शराब में होता तो नाचती बोतल। ए गुंजन, इस शराब के बोतल में कौन नशा ना है, जितना नशा तोरा में बा। कहे कहला कि इंसान जे सपना देखेला वो पूरा ना होला, तो हर सपना देख ली और देख पूरा हो गए। पर हमार भाई के कुछ ना हो के चाहिए। कुछ ना हो तू आ गई लो, कुछ ना हो ओकरा तू चुपचाप अपना घरे जा, अपना चांदी पे ठंडा तेल लगा के सो जा, जा। दगा बाज रे तोरे नैना बड़ा। अच्छा बतावा गोटा, ई मजबूर मुसाफिर के कहां तक मंजिल बा तनी भविष्यवाणी करी तुम? जजमान बलवन सर, ई बकलोल बालक के कोर्ट में आतंकवादी साबित कर दी है, एक और मंजिल टू इन वन बा का, का? या तो उम्र कैद या तो सजाए मौत। अरे रे 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 रे, ई तो एकदम घोर अन्याय बा हो। अरे इंसाफ के खातिर एकर बहिन बलवन सर के तराजू में अपन हवस की इज्जत तौल दे। और तो और बलवान सर के न पल्ला एक भारी होगा, और एक वाहिनी के बरसात के लिए चबा गए। अब तो सर एक बहन के साथ पानी में डुबकी लगा लगा के अपना देही के मैल छोड़ी है, और लल्लू राम पोछ लोग का टारगेट ये है। हाँ यहाँ, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के बाद हम लोगों को इस टारगेट पर भी पहुंचना है। रुक जा। कहाँ गई? अरे सर भाग गई हमनी के मार के। रो गई, रो गई सर। चल हो गई, तू लोग यहाँ छक मारा तोड़ने का। चलो हमरा पीछे। रुक जा। रुक जा। रुक। रुक। चलो चलो चलो। Hey, go!
चलो सर, वो भाग गए, मिलल नहीं। और मोहन बलवंत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जा दोस्त, शांत हो जा। हमने तुम्हें अपना दोस्त माना है, अब जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। दोस्त, जितनी शिद्दत से हम दोस्ती निभाते हैं, उतनी ही बेरहमी से हम अपने दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारते हैं। दोस्त, हम सब तेरे साथ हैं। बस जख्म ठीक हो जाने दे, फिर होगा धमाका। मन तो करत कि तोरा वर्दी के कफन बना दी, लेकिन बेवजह केहू के मारल हमारा फितरत में नहीं। बलवंत कहाँ बा? उनकर यहाँ से ट्रांसफर हो चुकल बा। कहाँ गई बा? हमरा पता नहीं खे। चला सरे। माई, देख लू ना, भाई बहन के रिश्ता इतना मजबूत होला कि रक्षाबंधन पे आखिर भैया आ ही गईलन। अरमान बेटा, तू हमनी के छोड़ के कहाँ चल गयल रहला? भैया आ गईलन ना, अब इनसे कोनो शिकायत नहीं की। दिल में दर्द के दरिया से मिट के हमरा खाते कितना खुश पड़ी। अरे ई का करे तारा? ओ देवी के आरती उतारत है, जौन हिंदू हो के एगो मुसलमान भाई के जान बचावे खाती अपन आबरू तक नीलाम कर देलस। तोहरा जैसन भाई खातिर हम हर जन्म में अपन आबरू नीलाम कर सकेनी। नीलामी अब बलवंत सिंह के जिस्म के एक एक टुकड़ा के हुई। हम वादा करते नहीं गुंजन, ये राखी के तोहफा में ओकरा के मौत के घाट उतार दे। अरमान बेटा, आज हमरा से एगो वादा करे के पड़ी कि आज की बार तू हमनी के छोड़ के कहीं ना जाएबा। देख बेटा, तारे बिना ये घर कितना सुना हो गेल बा, एकदम वीरान। और आज जो मैं यहां हूं, उन्हीं पांचों के बदौलत जिंदा हूं, लेकिन उसके बाद कभी मैं उन लोगों से मिला नहीं, पता नहीं कहां चले गए। वो अपने मिशन के तहत शहीद हो गए। अब तुझे यह मिशन पूरा करना होगा। अब तो मेरा एक ही मिशन है, बलवंत सिंह की मौत। जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं ना,
उसी तरह से ये आतंकवादी हमारे देश का खून पी रहे हैं। अभी पता चला है कि इस सीमा से सटे जंगलों में बुरहानी नाम का आतंकवादी संगठन आकर के छुपे हुए। सर उसमें एक अरमान नाम का बहुत ही खतरनाक आतंकवादी भी है, वो है हिंदुस्तानी, और अगर मैं चाहता तो कब का उससे मार भी चुका होता। लेकिन क्या है ना कि हमें एक एक गोली का हिसाब जो देना पड़ता है, और वो आतंकवादी हम पे बारूद का पेशाब किए जाते हैं, पर हम मजबूरी के रुमाल से उसे पोसते रहते हैं। ये अरमान हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है सर। बलवंत, उस खतरे को खत्म करने के लिए तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। अगर आर्मी की जरूरत पड़ी ना तो वो भी दिया जाएगा। थैंक यू सर। सर आप देखते जाइए किस कदर इस अरमान को एक दर्दनाक मौत देता हूँ सर। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहां दिवाली मनाने नहीं आए हो, बम ऐसे फोड़ रहे हो जैसे दिवाली के पटाखे। जिनके रगों में खून की तरह बारूद बहता हो और मिसाइल भी पटाखे की तरह फोड़ा करते हैं। बकवास मत करो, यहां के हर पटाखे पर आका का हक है, जब चाहे जहां चाहे वही फूटेगा, यहां तेरी मर्जी नहीं चलेगी। हेलो बगदादी, वो जगह तुरंत खाली कर दो क्योंकि वहां पे इंडियन आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है। क्या आखिर तेरी बेवकूफियों ने हमें मुसीबत में डाल ही दिया। क्या हुआ भाईजान? हमें यह जगह फौरन खाली करनी होगी। सब सामान समेटो, इंडियन आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है। चलो 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 चलो।
पानी पानी हो पानी पानी बरगे छोड़ दे हलू हम के रानी हो पानी पानी बरगे छोड़ दे हलू हम के रानी लड़कियों की आदत न भागल जैसन बलगे खजाना मन काहे न होई दीवाना लड़कियों की आदत न भागल पता लागे न सांचो में पागल तोहरा जैसन बलगे खजाना मन काहे न होई पानी हो पानी पानी बरगे छोड़ दे हलू हमके रानी हो पानी पानी बरगे छोड़ दे हलू हमके अरमान, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तेरी तन्हाइयों का सिलसिला अब खत्म होने वाला है। तेरे शिकार का पता चल चुका है। मेरा शिकार सिर्फ बलवंत सिंह है खालिद। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब गिरगिट अपना रंग बदल चुका है मेरे दोस्त। वो एसपी बन चुका है और ये वही है जिसने अपने फौजियों के साथ हमारे अड्डे को ध्वस्त किया था। उसके ठिकाने का पता चल चुका है। अब तो उसके सीने में इतना लोहा डालूंगा कि उसकी रूह रेगिस्तान की तपती रेत में सदियों तक जलती रहेगी। यस मिस्टर बलवंत। आई एम वेरी सॉरी सर, हमारा स्टिंग ऑपरेशन तो नाकामयाब हो गया, लेकिन ये पुख्ता हो गया कि आतंकवादियों ने इसी इलाके में डेरा जमा रखा है। बलवंत सिंह, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तुम्हें जो भी करना है करो, फौजियों की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी सर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बस कुछ ही देर में उन लोगों की बलि चढ़ाने की जगह का जायजा लेकर एक फॉरेस्ट अफसर हमारे पास आ रहा है। दैट्स गुड। दो उधर परेड सलूट। विश्राम परेड। दो उधर फिफ्टी नंबर हाँ। ली लोटा जी, लावा भाई। अरे गोटा। Thank you.
एक्सक्यूज मी सर, नॉट टॉकिंग, पहले चेकिंग। व्हाट चेकिंग? आप कौन? सॉरी सर, हम जानते हैं कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना सर। एसपी साहब का सख्त आदेश है कि बिना जांच पड़ताल के प्रधानमंत्री तक को भी उनसे न मिलने दिया जाए। जी सर, वो मजबूरी है ना सर, आजकल आतंकवादी गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रहे हैं। हाँ? क्या करें? लेकिन जाइए जाइए। वेलकम ऑफिसर, आप दुनिया में पहले ऐसे इंसान होंगे जिससे मुलाकात का इंतजार मुझे बड़ी बेसब्री से था। जिसके जिंदगी में जितनी ज्यादा बद्दुआ शामिल होती है उसको उतना ही ज्यादा मौत का इंतजार करना पड़ता है। यही तो मेरा ब्लंडर प्रॉब्लम है, मुझसे इंतजार ही नहीं होता। आपकी जगह वो आतंकवादी अरमान होता तो मुझे मारने की जो उसकी भूख है वो मैं अपने गोलियों से जरूर पूरी कर देता। हमार भूख गोली से ना, तोर करेजा भूज के खैला से मिटी। बताओ हमार दीदी कहां बड़ी, बताओ हमार भाई कहां बड़ी, बताओ रूबी के परिवार कहां बड़ी, बताओ ना तो तोर मुड़ी काट के सुखल लौका खानी पुलिस चौकी के गेट पर लटका दे। कहां भागा जा रहा है? तुम लोग जानते नहीं हो मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, वो आतंकवादी अरमान है। अरमान? यस। एहसान बहुत कीमती है, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मरने से पहले जरूर चुका दूंगा। अभी चुका दो, अब बिछड़ला के बाद पता ना कब मुलाकात हुई। रूबी? अरमान। रूबी, रूबी, हमार उम्मीद ना खत्म भेल रहल,
सब केहू कहत रहल कि अब तू इस दुनिया में नहीं खे, लेकिन हमके अपन प्यार पे पूरा भरोसा रहल। हमार प्यार हमके जरूर मिली और ये हमरा प्यार के नतीजा हा कि आज तू हमके मिल गई अरमान। रूबी, हम तोरा घरे गए रहलो, लेकिन तोरा घर में ताला लगा रहे, तू कहाँ चल गए रूबी? और माई और गुंजन कहाँ बालो? वक्त के तूफान सब कुछ तबाह कर देले सरमान। तोरा गईला के बाद तो हर माई के बहुत बड़ा सदमा लग गई, और गुंजन के साथ है। साहेब, ये तो प्रूफ है कह देनी कि अरमानवा पहले आतंकवादी के मुखबिर रहल, लेकिन अब वो खुद ही आतंकवादी बन गई। सर, अगर कहीं अरमानवा सचमुच आतंकवादी बन गई तो पहला अटैक रउआ के ऊपर तो ना कर दी। चुप कर दो। कदाहू, अरे साहब के डरावा ताड़ा, ये बतावा ताड़े रे। सर, वो देखी जी। ये गुंजन इंस्पेक्टर के घर है। अच्छा, केलो आ गेलो, बड़ा भाग्य ले नहीं आज। कहाँ बाड़े हमार भैया? हाँ, लेके तोरे लगे आवत रहनी, फरार हो गए। झूठ बोला था रे तू। तू अरमान के कोर्ट ले जात रहला, गोलू हमके सब बतौले बाड़न। गोलू? ये गोलू क्या? ते हमके धोखा दे ले हा। तू सिर्फ हमार इज्जत ना, एको बहन के राखे लूट ले बाड़ा। हम कहले रहली ना कि अगर हमार भाई घर ना पहुंचल दगाबाज रे और लिटे गीत फिर मुझसे आज रे। पटेल साहब, इका कहनी गुंजन के मार देनी? हम एकदम मार देली। चल तू हमरा मार, हम एकदम मार देली, तू हमरा मार दे। चल मार 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 मार। का भेल सर? ये लौंडा ये लड़की के गोली मार दिले। ले जो। चल, 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 चल। ए हम तोरे के समझावत समझावत थाक गेली, बाकी तू ना समझ ले, देख ले ले ओकर नतीजा। कसम खुदा के अब्बा, हम निर्दोष बानी। का हो रहल भाई साहब? आखिर कौन है सर गुनाह कर देले हमार बेटा
जकरा के रहुआ बार बार के ये हालत कर देले बानी। ये चमड़ी चोर तहार औलाद है? हमार औलाद संस्कार न सिखौले एकरा के। अरे एगो गुंजन नाम के मासूम लड़की के बलात्कार करके ओकर हत्या कर देले भाई। ना जा समुद्र है एकरा साथ होकर। ना ना ऐसा ना हो सकेला। इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ बा, हमारे भाई ऐसा बिल्कुल ना कर सके। बहन रचिया सुल्तान और भाई एक बलात्कारी। अच्छा तो दोनों बाप बेटी एक चीज बतावा कि हमरा माथा पर का लिखलवा, पुलिस या बलात्कारी? ईमान के कोनो लिखावट न होला इंस्पेक्टर साहब। इंसान के आंख में झांक के देखला से ओकर इंसानियत के पता चल जाला। लेकिन कानून के पेट जज्बात से ना सबूत से भरेला और हमार पेट नोट से भरेला। कानून के कबड्डी खेल के हम तेरा बेटा के बाइज्जत बरी करा दे, लेकिन मेहनत आना मिली तब। कितना पैसा चाहिए? पैसा लड़की जवान रहे और जवानी के खून तनी ज्यादा ही महंगा होगा, 10 लाख रुपए में कम हो जाए। इतना पैसा तो खुद के भी बेच के रहते हैं इंस्पेक्टर साहब। कुछ बेचे कीने की जरूरत नहीं के। बस एक रात का तेर अपनी घर के लक्ष्मी के हमरा तिजोरी में भेज दा, तारा बेटा के घरे भेज दे। सब सुने से पहले हम मर काहे नहीं की जाए, मर काहे नहीं की जाए, ए मर काहे नहीं की जाए। तब बात पक्का समझी, आज राती के हाजीबु हमरा घर है। जवाब मिल गई, दोबारा हमरा साथे ऐसी घटिया बात कहिला तो चप्पल निकाल के मारब। बात हमरा गाल पे तमाचा मार के बहुत बड़का क्राइम कर दे ले तू। अब तो तू अपना ही भाई के कोर्ट से ही छुड़ा के ले जाइए और डिसमिस। कैसे छुड़ाए अपन बेटे के यहाँ परवरदिगार? अबू परेशान मत होगी। कैसे परेशान न होगी बेटी, कैसे परेशान न होगी? रिहान के जैसे अरमान के भी झूठे इल्जाम में फंसा देले होगी। एक नंबर के हरामी में बलबंत सिखवा। अबू सब कुछ ठीक हो जाए, अबू सब कुछ ठीक हो जाए। या खुदा हमके माफ कर दिया, हम हमेशा अरमान के गलत समझत रहनी, सीधा सा रहने क्या के मजबूर करके ओकरा के आतंकवादी बना देला। पता ना हमरा बेटा के का हुई, बेटी हमरा बेटा के का हुई, कैसे छुट्टी हमार बेटा? हमारे बेटा के काई, हमारे बेटा के काई, काबे तो रखे मुंह काबे, हमारे बेटा के काई, यार ना, अबू, अबू काबू, काबू, काबू। दीदी दीदी पुलिस रेहान के कोर्ट लेके जा रहा था भैया, और हम हाँ तू फटाफट वहाँ पहुँचा, हम वहाँ जल्दी पहुँचो तारी। हाँ मालूम होता रही जंगल में हम काहे लौली हैं? नहीं आजाद करे खातिर सर, बनला के सार मिलेला और बिगड़ला के पहनो यू ना। बहुत सही कहला सी, कुछ समझ में आये? देख तेरा बाप से तेरा छोड़े खातिर 10 लाख रुपया मांग ले रहनी, उतना दिलस ये दुनिया छोड़ के भाग गेल। तेरा बहिन से एक रात सूते खातिर बोले रहनी, कहा मिले हमरा एक तमाचा जर दिलस हमरा गाल पर, तो ही समझ तेरा जरूरत
केहू के नहीं के तो कहा करबे ऐसा खुदगर्ज जमाने में जाके ऐसे हम तरह आजाद कर रहे थे जा करके अपन नया दुनिया बसा ले। सच में हम जाएं? आप हमरा के आजाद के देने? अरे हाँ भाई जो 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 जो, जो। अब ठीक कह रहे बीबी हम सच में निकम्मा बानी न बाप के जनाजा के कांधा दे पौनी न बहन के डोले के कांधा दे पौनी ना भैया सब कुछ ठीक हो जाए भैया हमरा के माफ करिया रूबी गुंजन के खून बलवंत सिंह कहले हा और गुंजन की जिंदगी के साथ में जी भर खिलवाड़ कहले सर और हनुमान के भी आतंकवादी साबित कर दिले सर बलवंत सिंह जिंदा ना बचा के चाहिए बहन भैया बहुत बड़ा शैतान है रूबी भैया 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 बबुआ जेकरा ढूंढत आ रहे ना वो तो ऊपर पहुंच गए जो तू ओकरा से वहां जाके मिल लिए अरे चुप 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 रहा वो हमारे भाई के मार देला कोलू के मार देला दुनिया जंगल और आदमी जानवर हो गई बा हम बलवंत सिंह के ऐसा शिकार करो कि ओकरा लाश के मांस भी कोनो जानवर ना खा पाई बलवंत सिंह गोलू की भी जान से मार देलस और सतनाम के सहारे हम क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गई नी कई जगह पे हमके भेजल गई लेकिन यहाँ हम एक खास मकसद से आयल बानी कल मंत्री जी की यहाँ पार्टी बा जेमे बलवंत सिंह आवे वाला बा अब तक ले तो ओकरा लाइफ के लाइट स्विच ऑफ कर देले रहती लेकिन ओकर किस्मत बहुत कमीना बा बच गई लेकिन अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं खेलूबी और मंत्री जी के पार्टी में जाए खातिर कौन उपाय करे के पड़े Oh,
हेलो जी हाँ सर, मालूम मालूम है मुझे। जी जी जी, कमिंग 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 सर। बलवंत चल। हमारे एसपी साहब जीवित ही नहीं बल्कि स्वस्थ भी है। लेकिन आप लोग उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि एसपी साहब का कुछ खास कार्यक्रम अंदर चल रहा है। सर ये दूसरी बार आप पर जानलेवा हमला हुआ है। बहुत कमाल का है आपका दुश्मन जो बार बार आपको जीने की मोहलत देता जा रहा है। कौन है वो, जनता को बताना चाहेंगे आप? आतंकवादी है वो। मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, आतंकवाद। हो भी क्यों ना, न जाने कितने आतंकवादियों की कब्र मैंने पाकिस्तान में जो नहीं बनने दिया। तरक्की का इनाम भी मिला मुझे, इंस्पेक्टर से एसपी बना दिया गया। मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई आतंकवादियों को, डर गए वो, मुझे मारने की ये फालतू कोशिश करने लगे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। पी पी प्रोफेसर पी पी ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? मार डालो मुझको।
मार देता। मार डालो मुझको, मार डालो। मार देता तुझे। मैं नहीं चाहता हूँ। अगर तू बारूद और मिसाइल बनाने का एक्सपर्ट ना होता ना, तो मार देता तुझे। तेरा जिंदा रहना ही तेरी जरूरत है। तू जिंदा है तो तेरा परिवार जिंदा है। अगर तू मर गया तो तेरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसलिए जो बोलता हूं वो कर। आदाब आदाब आदाब। और खैरियत बगदादी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ? हाँ, मैं इस सल्तनत का सेनापति हूँ। आका कोई और है और यहाँ सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चलती है, जिसके आदेश का हम सब पालन करते हैं। लेकिन इस बेवकूफ ने हमारे बादशाह की बादशाहत को हिलाकर रख दिया है। पुलिस और आर्मी चौकन्नी हो गई है। जब तक आका का ऑर्डर नहीं आता तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, वरना सभी मारे जाओगे। लेकिन भाईजान, इसकी खुजली नहीं मिटेगी। ये खुद को आतंकवादी नहीं क्रांतिकारी समझता है। तू सिर्फ आतंकवादी है। तेरा दुश्मन सिर्फ एसपी बलवंत सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। जो गुस्ताखी तूने इस बार की है फिर मत करना, वरना जो ये खिलौना तुझे खेलने के लिए दिया गया है ना, वही तेरी जान ले लेगा। और सुन प्रोफेसर, तेरी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। तुझे मिसाइल बनाने के साथ साथ इन दोनों को हर तरीके के बम बनाने के गुण सिखाने होंगे। खुदा हाफिज। अरमान, यह वो आदमी है जो हमरा के संगठन में शामिल कर ले रहे। रूबी, लागत हमके गलत जगह पर फंस गए बनी सा। अब हमने क्या अपन गलती सुधारे के परी? हाँ अरमान, बाबा के लिए। बाबा उठिए। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे खुश नहीं हैं। बेटी, बारूदों की बस्ती में भला कोई कैसे खुश रह सकता है? तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे पैर मेरी मजबूरियों की जंजीर में जकड़े हुए हैं। मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता और ना ही अपनी मर्जी से मर सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये दहशतगर्द दरिंदे मेरे परिवार वालों को खत्म कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। हाँ, बाबा आपका परिवार भी है? हाँ बेटी, मेरा परिवार है, मेरी बेटी गुंजन तुम्हारी तरफ बड़ी हो गई होगी। और बेटा अरमान, अरमान बेटा अरमान, इसके जैसा हो गया होगा। अरमान आपका बेटा है? नहीं, मेरे लगोटिया यार हुसैन खुर्शीद का बेटा है। लेकिन मैंने उसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहीं आपके पत्नी का नाम सरदा देवी तो नहीं? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? जिसके सर पे आतंकवादी का लेबल लग गया हो उसके घर परिवार का नाम तो बच्चा बच्चा तक जान जाता है। नहीं नहीं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं तो सिवान साइंस कॉलेज में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर था। नई नई टेक्नोलॉजी के बम
और मिसाइल्स बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था और विद्यार्थियों को उसकी शिक्षा देता था। जब आतंकवादियों को पता चला उन्होंने मुझे किडनैप करवा लिया और मुझे मजबूर करने लगे। फिर मैं मौत का सामान बनाने लगा लेकिन एक दिन मेरा जमीर जिंदा हो गया, मुझे धिक्कारने लगा और फिर मैंने ये मिसाइल और बम वगैरह बनाने से इनकार कर दिया। जब उन्हें इनकार कर दिया तो अनाज की एक एक दाने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पाने लगे। बाबा अब हम आपको तड़पने नहीं देंगे, खाना खा लीजिए। तुम लोग बहुत अच्छे हो पर समझ में नहीं आता इस दलदल में कैसे फंस गए। बाबा कुछ हालात ऐसे थे, अब वो सब बातें छोड़िए, आप खाना खाइए। फिर तूने एक नई गलती कर दी इस बुड्ढे को खाना पानी देकर। अब 40 बुड्ढे का उतना ही खून बहा। हाय! बहुत तरस आ रहा है, तेरा बाप है क्या बुड्ढा? लगता है तू बिना बाप का पैदा हुआ है। चल माफी मांग, नहीं तो अगर मैं तेरा बाप बन गया ना तो तेरी माँ तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। चल माफी मांग, मांग माफी। माफ कर दो बेटा। बाबा यही वो जगह है, तेरी लैंड करो। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सतनाम जी, जी तुम पैदाइशी तो हिंदू हो लेकिन तुम्हारी रगों में मुसलमानी खून दौड़ता है। बाखुदा तुम्हारा ये दोगलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनाब फायदा होना चाहिए, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान बेच दूं। ओए 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 जी, जी जरूर। चलो ओए जी, आंखें खुली रखना जी। खुदा हाफिज। हाय जनाब, आप एसपी बलवंत सिंह? आदाब। आदाब। आप हमारे आका बुरहानी साहब, आपने बड़े आतंकवादी बनाए हैं लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज खुद की जान बचाने के लिए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है। जनाब लोहे को काटने के लिए लोहार की जरूरत पड़ती है। बहुत खूब जनाब एसपी साहब, हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर चीज बिकाऊ है लेकिन बंदा और धंधा लेवल का होना चाहिए। हुजूर आप कीमत बताएं, खरीदना तो हम भी जानते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जी हाँ जनाब, शायद इसलिए औरतों का शौक
हम में कुछ ज्यादा ही है। बड़े रंगीन मिजाज के हैं आप। एसपी साहब, 26 जनवरी को हम मंत्री के चीतड़े देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो दिल्ली को भी उड़ा सकते हैं। इससे क्या फायदा? फायदा? एसपी साहब, हिंदुस्तान बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ले, हमें तो सिर्फ कश्मीर चाहिए। कश्मीर क्या जनाब, आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले लें, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ। गुड। बस हमें केवल वो आतंकवादी अरमान खुर्शीद चाहिए। चलो दिया, लेकिन एक शर्त पर, हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद। मंजूर? मंजूर। गले लग जाओ। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खुदा की खुदाई को रोशन करने वाले नायाब हीरे हो, तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी, खुदा की नजर में तुम्हें अपनी अहमियत बतानी होगी। इस 26 जनवरी को हिंदुस्तान के गरूर के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ना होगा। अगर इस इम्तिहान में पास हो गए तो कश्मीर हमारा होगा। मैं इस इम्तिहान को पास होने के वास्ते लाश बनने को तैयार हूँ। लाशें हमारी नहीं, उनकी गिरेंगी जो अपने बाप की जायदाद समझकर कश्मीर पर कब्जा जमाए बैठे। तुम जैसे सच्चे मुसलमानों पर खुदा को फख्र होगा। इस मिशन पर अगर तुम सब की शहादत हुई तो तुम सब सीधा जन्नत में जाओगे और वहाँ पर हूरे तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगी। जन्नत की झूठी दिलासा देकर इन्हें मुर्दा बनाओगे? हिंदुस्तान का एक बाल तो उखाड़ नहीं सकते तो कश्मीर कैसे पाओगे? इस काफिर का कलेजा गोलियों से छली कर दो। ठहरो, पहले हिंदुस्तान की इस दुम को तो सीधा कर लेने दो। ये तो पता लग गया कि तेरी रगों में हिंदुस्तानी खून है, इसका मतलब तू आतंकवादी नहीं है। ठीक पहचाना, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ जिसके ऊपर कानून को धोखा देने वाला एक गद्दार ने आतंकवादी का लेबल लगा दिया। लाहौल मिला कुवत, ना मुराद है तो तू मुसलमान नहीं हो सकता, तेरा मजहब इस्लाम नहीं हो सकता। दिलेरी का हरगिज ये काम नहीं है, दहशत किसी मजहब का पैगाम नहीं है। तुम्हारी इबादत तुम्हारा खुदा ये तुम जानो, हमें यकीन है ये कतई इस्लाम नहीं है। बकवास बंद कर। जी तो चाहता है कि तुझे अभी इस्लाम का फलसफा पढ़ा दूं, लेकिन नब तुझे मारने की नहीं अपाहिज बनाने की चाहत हो रही है, ताकि 26 जनवरी के दिन मारे गए लोगों की रूह के लिए तू जन गण मन गाता फिरे। मैं जन गण मन गाऊंगा और मेरा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब जरा इधर तो देख बाबा। अरमान, हमके माफ कर दे बाबा, अपन असलियत बतावे के हिम्मत ना पड़ल। अपना हिम्मत की तलवार के तेज कर ला और ई दहशतगर्द दरिंदन के अब तोहरा के ही बलि चढ़ावे के पड़ी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्ते मंत्री साहब। आप फखरुद्दीन साहब हैं, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, और आपसे मिलना चाहते थे, आपके बहुत बड़े फैन हैं। और फखरुद्दीन साहब, आप बलवंत सिंह हैं, यहाँ के नए एसपी। जी जी। बेटा, आज तोरा कौम के लाज तोरा हाथ में पा, जा बन जा तूफान, मिटा दा देश के दुश्मन के नामो निशान। हार मान,
तो क्यों सब मासूम सरों के कटले से बचावे की पड़ी जो तिरंगा की सलाम करे खातिर उठे वाला हा। हाँ बेटा, तोरा के आज साबित करे के पड़ी तू एगो आतंकवादी ना, देशभक्त बाड़ा। सच्चा देशभक्त खातिर अपना जान भी कुर्बान कर सकेला। बेटा, हमारा आशीर्वाद तोरा साथ। हम वादा करते नहीं बाबा कि बुरहानी कैसन मौत मारब कि ओकरा कफन तक नसीब ना हो और ओकरा छाती पर अपना देश की तिरंगा लहराई। आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि घाटी के इस छोटी सी जगह में तिरंगा लहराने के लिए किसी खास शख्सियत का इंतजार है। और बहुत जल्द वो शख्सियत झंडा लहराने के लिए आप लोगों के बीच आ चुके हैं। सर आप गाड़ी में बैठिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये आतंकवादी बुरहानी है। Yeah!
हिंदुस्तानी हैं हम, एक झटके में पूरी दुनिया हिला देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बना देंगे। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। तोरा जिंदगी के रफ्तार से तेज रफ्तार तोरा मौत के बा। तोरा खून के एक एक बूंद से अपने दामन पलागल आतंकवादी बने के दांत धोअब, तबे हमारा दोस्त और हमारा बहिन के आत्मा के शांति मिली। रूबी, ले लो बदला रिहान के मौत के। के छोड़ देना तो अपने आप का माफ ना कर पाए कमिश्नर साहब। हमें सब पता चल चुका है, उसे कानून सजा देगा। छोड़ दो उसे, ये खाली हमारे ना, पूरा हिंदुस्तान के दुश्मन ना। अरमान बेटा, साहब ये हमार बेटा है, एकरा से मिले थी, तू को बात कर ले भी थी। हाँ ठीक है ठीक है, धन्यवाद साहब। बेटा बेटा अरमान, हाँ।
हम शिवराम बानी शिवराम तुहार पति। अरे कोनो सपना ना, हकीकत बानी हकीकत। जिंदा? हाँ हम जिंदा बानी, तू विधवा ना, सुहागन बाड़ू सुहागन। हाँ शारदा तू सुहागन बाड़ू। शारदा माई बाप बेटा के जन्म देवे ना, लेकिन आज एगो बेटा माई बाप के रिश्ता के जन्म दे ले बा। शारदा तुहार बेटा बहुत महान बा, बहुत महान बा। शारदा रोवन रोवन, हमार अरमान कोनो आतंकवादी नहीं के। हाँ तू कानून पर भरोसा कर, अब ये दुनिया में इंसाफ बाकी बा, इंसाफ बाकी बा, इंसाफ बाकी बा।